भारतीय किसान यूनियन ने करनाल के गांधी चौक से जिला सचिवालय तक किया प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा विधानसभा इलेक्शन से पहले बुजुर्गों की 5100 रुपए पेंशन करने का किया था वादा व 3 अन्य मुख्य मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला सचिवालय पहुंचकर किसानों ने अतिरिक्त उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। करनाल स्थित गांधी चौक पर आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा एकत्रित हो अपनी मुख्य 4 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा किए गए वायदे में मुख्य तौर पर बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए करने, फसलों का मुआवजा व किसानों का कर्ज माफी का करने का वादा किया गया था। सरकार बने 3 महीने होने के बाद अभी तक भी कोई भी किया हुआ वादा पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज का जो प्रोटेस्ट है वो जो राजनीति के अंदर इतनी झूठ घुस चुकी है उसके लिए हम मानते हैं कि राजनीतिक लोग राजनीति करने के लिए झूठ बोलते थे, लेकिन उसकी कुछ मात्रा कुछ सीमा होती थी। लेकिन आजकल जो नए लोग राजनीति के अंदर आए हैं उनकी तो कोई सीमा ही नहीं रही। राजनीति को इतना गंदा कर दिया, इतना झूठ बोलना शुरू कर दिया जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। अब दुष्यंत चौटाला को देख लो, जिसको लेकर आज का प्रदर्शन है। इन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किए थे कि किसान मजदूर को संपूर्ण कर्ज मुक्ति दी जाएगी, बैठने कुर्सी पर बैठने के बाद कुछ नहीं। इन्होंने कहा था कि बुजुर्ग किसान को और मजदूर को, सभी बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन दी जाएगी, जिसको मात्र 250 बढ़ाया गया, कुछ नहीं। इनकी बात थी, इनका कहना था कि किसान की संपूर्ण 100% फसल खरीदी जाएगी, लेकिन आज कोई बात नहीं। रोजगार की बात कही थी, कोई बात नहीं। इतनी बड़ी झूठ, कुर्सी पर बैठने के बाद सभी समाज के सारे लोगों को, सभी को भूल जाना तो क्या होगा? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो पेंशन का जो वादा किया था उसको पूरा किया जाए, हमारी पेंशन 5100 रुपए की जाए। दूसरी बात, जो गन्ने का रेट है वो 400 रुपए क्विंटल किया जाए। तीसरी बात, किसान और मजदूर को संपूर्ण कर्ज मुक्ति मिलनी चाहिए। आपका पूरा नाम? सुरेंद्र सांगवान, भारतीय किसान प्रवक्ता।